बहुत से लोगों को पता है कि मार्केट के अंदर कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या काम करता है और कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरीके से दिखता है। उन्होंने सिर्फ नाम सुना है कि मार्केट के अंदर भैया कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनते हैं। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। आज की वीडियो में सिर्फ अपन समझने वाले सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। इससे जो अगली वीडियो आएगी उसके अंदर अपन जानेंगे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में, और जो तीसरी वीडियो आएगी उसके अंदर अपन जानेंगे ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। अगर मैं आज तीनों वीडियो को इस वीडियो के अंदर कंबाइन करता हूं तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आज की वीडियो में अपन कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में समझने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो आप लोग इनके बेसिक्स को समझो। आज आप लोग मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन देखते हो, इंडिकेटर देखते हो, ये आप लोगों को किस तरीके से इंडिकेट करते हैं। प्राइस एक्शन आज आप लोग मान लेते हो भैया ट्रेन लाइन प्लॉट करते हो, तो किस तरीके से प्लॉट करते हो आप लोग भैया, कैंडल्स के हाई और लो को मिलाते हुए चलते हो और आप लोग यहाँ पे एक ट्रेन लाइन प्लॉट कर देते हो, यही करते हो ना। आज मैं बात करूं कोई इंडिकेटर की बात करता हूं, तो आप लोग इंडिकेटर को यूज करते हो, वो आप लोगों को इंडिकेट कैसे करता है, वो मार्केट के अंदर पिछली वाली कैंडल्स को एनालिसिस करता है, देखता है कि मार्केट के अंदर कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बना है या फिर किस तरीके से कैंडल बनी है, फिर आप लोगों को वो इंडिकेट करता है। तो क्यों ना अपन कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में सीख ले। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनता है तो ये आप लोगों को मोटा प्रॉफिट दिलाता है, ये मेरी गारंटी है। अगर कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो वो आप लोगों को मोटा प्रॉफिट दिला सकता है। क्यों? क्योंकि इससे अपने को सेलर की एक्टिविटी पता चलती है कि मार्केट के अंदर सेलर क्या करना चाहता है। अगर मान लेता हूं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कोई इतनी बड़ी रेड कलर की कैंडल आप लोगों को बनती हुई दिखती है, तो समझ जाओ सेलर यहाँ पे नीचे की तरफ मार्केट को लेके जाना चाहता है। वो अभी अपन जानने वाले कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। देखिए, मार्केट के अंदर बेसिकली दो तरह की कैंडल बनती है। नंबर वन में बात करूं ग्रीन कलर की कैंडल, नंबर टू में बात करूं रेड कलर की कैंडल। अब बहुत से लोग सोच रहे सर ब्लैक और व्हाइट भी तो बनती है। देखिए, कलरफुल जमाना आजकल वो ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना गया, तो आप लोगों को चार्ट के ऊपर दो तरह की कैंडल बनती हुई दिखती है, नंबर वन ग्रीन, नंबर टू रेड कलर की कैंडल। तो यहाँ पे मैं ग्रीन कलर की कैंडल की बात करूं आप लोगों को कुछ इस तरीके से मान लेता हूं कोई कैंडल दिखती है। मैं कैंडल्स के बेसिक समझा रहा हूं ताकि जिन लोगों को पता नहीं है कि ये कैंडल होती क्या है उन्हें भी पता लग जाए। तो मान लेता हूं आप लोगों को यहाँ पे कोई ग्रीन कलर की कैंडल दिखती है, ये लो, मैं इसको ग्रीन कलर से फिल कर देता हूँ, ये लो, ये कोई ग्रीन कलर की कैंडल आप लोगों को दिखती है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो ग्रीन कलर की कैंडल होती है वो भैया नीचे से ओपन होती है, नीचे से बनना स्टार्ट होती है यहां से। ये पॉइंट आप लोगों को जो दिख रहा है ना, ये वाला पॉइंट ये होता है इसका ओपन पॉइंट, यहां से ये बनना स्टार्ट होती है। और जो ये आप लोगों को ये दिख रहा है ना, ये इसको बोलते हैं अपन बॉडी। ये जो आप लोगों को भरा भरा हुआ पार्ट दिखता है ना, ये पूरा आप लोगों को भरा भरा पार्ट दिखता है, इसे बोलते हैं अपन बॉडी। और जो ये नीचे वाला दिखता है ना आप लोगों को डंडी से एक अपन बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं अपन शैडो, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन शैडो। तो ये ग्रीन कलर की कैंडल ओपन होती है यहां से और क्लोज होती है यहां पर, येलो मैंने क्लोज लगा दिया। और मार्केट गया कहां तक था, ये रहा इसका हाई। देखिए, मैं इसको और आसान भाषा में समझाऊं आप लोगों को। मान लेता हूं भैया ये 10 रुपए से ओपन होती है, यहां से 10 रुपए से ओपन होती है, ये बंद कहां पे हुई, ये हुई भैया मान लेता हूं 15 रुपए के ऊपर, लेकिन बायर इसको इतना ऊपर लेके गए थे यहां तक, यहां पे मान लेता हूं 16 मान लेता हूं मैं कि 16 तक इसको लेके गए थे, लेकिन सेलर ने वापस प्रेशर लगाया इसके ऊपर और ये 15 के ऊपर आके क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है। नीचे की मैं बात करूं, जब ये बनना स्टार्ट होती है तो पहले सेलर अपना थोड़ा सा जोर दिखाते हैं, तो इसको यहां तक 9 तक लेके आते हैं, लेकिन फिर से बाहर जोर लगाते हैं और इसको ऊपर ले जाते हैं। मतलब बोल सकते हैं ये इसका ओपन पॉइंट होता है, ये इसका लो पॉइंट होता है, ये इसका हाई पॉइंट होता है और ये इसका क्लोज पॉइंट होता है। ये नीचे से बनना स्टार्ट होती है। अब अपन रेड कलर की कैंडल की बात कर लेते हैं। एक बात देखिए, आ जाइए, ये मान लेता हूं कोई रेड कलर की कैंडल बनती है, ये लो, ये कोई रेड कलर की कैंडल बनती हुई दिखती है आप लोगों को, ये लो, ये लो। जो रेड कलर की कैंडल होती है वो भैया ऊपर से बनना स्टार्ट होती है, जो ग्रीन कलर की कैंडल थी वो नीचे से बनना स्टार्ट हो रही थी, जो रेड कलर की कैंडल है वो ऊपर से बनना स्टार्ट होती है, जो इसका ओपन पॉइंट होता है वो होता है यहां तक। अब मान लेता हूं ये यहां से ओपन होती है, तो जो बायर होते हैं वो थोड़ा सा जोर लगाते हैं और इसको यहां तक लेके जाते हैं, तो इसका ये लो हो जाता है, इसको थोड़ा ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन रेड कलर की कैंडल बनी है तो सेलर इसको नीचे लेके आना चाहेंगे, तो ये यहां तक यहां पे आके क्लोज हो जाती है। लेकिन मान लेता हूं ये यहां तक गई थी, ये इसका हाई पॉइंट है। अब मैं इसको और आसान भाषा में समझाऊं, मान लेता हूं भैया ये 10 रुपए पे ओपन होती है, सेम टू सेम इसका एग्जांपल लेते हैं,
ये 10 रुपए पे ओपन होती है, लेकिन जो बायर थे बायर वो बायर जोड़ लगाते हैं और इसको 9 रुपए पे लेके आते हैं। ये हो गया इसका लो। मान लेता हूं ये नीचे की तरफ सेलर जोड़ लगाते हैं, नीचे की तरफ लेके आते हैं, यहां पे आके ये 15 के ऊपर क्लोज हो जाती है। लेकिन सेलर ने इतना जोड़ लगाया था कि भैया ये 16 तक आ गई थी, लेकिन बायर इसको वापस से 15 के ऊपर ले जाते हैं। बेसिकली आप लोगों को मार्केट के अंदर ये दो तरह की कैंडल बनती हुई दिखती है। आई होप इतना सा आप लोगों को थोड़ा समझ में आया, ये थोड़ा सा बेसिक था ताकि जिन लोगों को पता नहीं है कि कैंडल होती क्या, उन्हें भी ये समझ में आए। अब अपन चलते हैं भैया कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में, जो अपना टॉपिक था उसके ऊपर चलते हैं और देखते हैं मार्केट के अंदर सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स किस तरीके से बनते हैं, और मैं आप लोगों को चार्ट के ऊपर उनको बनता हुआ भी दिखाऊंगा कि मार्केट के अंदर अगर ये बनता है तो किस तरीके से मार्केट को ऊपर या नीचे लेके आते हैं। आ जाइए आप लोग चार्ट के ऊपर, देखिए यहां पे मैंने ओपन कर दिया सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स और जो अपना नंबर वन है वो है हैमर। यहाँ पे आप लोगों को दो कैंडलस्टिक पैटर्न्स दिख रहे हैं, नंबर वन हो गया अपने लिए हैमर और दूसरा हो गया हैंगिंग मैन। देखिए जापानीज नाम है, मतलब कि जापानी लोगों ने इनका नाम रखा है, तो आप लोगों को ऐसे नाम मिल सकते हैं। ये हो गया भैया हैंगिंग मैन, हो गया ये, हो गया हैमर। तो आप लोगों को इनको देखने से क्या लग रहा है, देखिए मैं आप लोगों को बताऊं कि भैया ये ग्रीन कलर की कैंडल बनी थी येलो, ये इसने बनना कहां से स्टार्ट किया था, यहां से इसने बनना स्टार्ट किया था। आप लोग ओपन पॉइंट देख सकते हो, यहां से इसने बनना स्टार्ट किया। लेकिन जो सेलर थे ना, सेलर वो इतने पावरफुल थे, इतना जोर लगाया उन्होंने कि इसको नीचे तक ले गए, यहां तक लो तक, यहां तक इसको ले गए खींचते हुए दबाते हुए कि भैया नहीं, हम तो भैया मार्केट को नीचे लेके जाएंगे, हम इतना जोर लगाएंगे कि इसको यहां तक लेके जाएंगे। लेकिन भैया ग्रीन कलर की कैंडल बनी है तो बायस इतना जोर लगाया कि भैया उन्होंने इसको वापस से ऊपर ले गया और यहां पर लिया है, तो ये तो हो गया इसका लो। और बायर ने कहां तक लेके गया इसको, यहां तक, तो इसका हाई भी यही है और क्लोजिंग पॉइंट भी यही है। क्यों? क्योंकि ये यहां से यहां तक आया, लेकिन यहां से वापस से फिर से बायर ने जोर लगाया और इसको ऊपर लेके गए, ये लो इसको ऊपर लेके गए, यहां पे आके इन्होंने क्लोज कर दिया, तो हाई पॉइंट भी इसका यही है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया था शैडो, तो आप लोगों को यहां पे शैडो कहां पे दिख रही है, पूरी की पूरी बॉडी आप लोगों को यहां पे दिख रही है। अब इसको देखने से अपने को पता क्या चलता है, मान लेता हूं भैया ये कोई पैटर्न आप लोगों को चार्ट के ऊपर बनता हुआ दिखेगा इस तरीके से, तो ये काम कैसे करेगा आप लोगों को इसको देखने से ही पता लग रहा है कि भैया मान लेता हूं ये कोई 10 रुपए पे बनना स्टार्ट होती है, ये लो 10 रुपए पे ये चालू होती है, ओपन होती है। इसको क्या करते हैं भैया, जो सेलर्स होते हैं वो इतना नीचे लेके जाते हैं, 7 के ऊपर ले आते हैं, 10 से 7 के ऊपर ले आते हैं, इतना जोर लगाते हैं। लेकिन बायर्स इतना जोर लगाते हैं कि इसको वापस ऊपर लेके जाते हैं और यहाँ पे 12 के ऊपर क्लोजिंग कर देते हैं। तो आप लोगों को देखने से ही पता लग रहा है कि भैया बायर स्ट्रॉन्ग है, मार्केट यहां से ऊपर जाएगा। जब भी ये चार्ट के ऊपर बनती हुई दिखेगी ना, बहुत तगड़ा काम करती है। लेकिन अब मैं कंडीशन की बात कर लेता हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा अपने लिए वो यही होगा, ध्यान से सुनना इसको, वरना आप लोग पता है, मुझे पता है कि आप लोग वीडियो के एंड में इसके बारे में जरूर कमेंट करने वाले थे। देखिए जब भी कोई ऊपर की साइड का जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है ना, आप लोग अभी देखोगे मैं बताऊंगा, ये हो गया बुलिश, क्यों? क्योंकि ये मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। ये हो गया बेरिश, ये हो गया बेरिश, क्यों? क्योंकि अगर कोई ये कैंडल बनता हुआ दिखेगा इस तरीके से, तो ये मार्केट को नीचे लेके आएगी। तो अगर जब भी कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखता है बुलिश, यहां पे मैं एक बार लिख भी देता हूं ताकि बहुत से लोगों को कंफ्यूजन ना हो, अगर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखता है तो ये तभी काम करेगा जब ये चार्ट के बीच नीचे बनेगा, यहां पे अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट के नीचे बनता है, मान लेता हूं भैया डाउन ट्रेंड था, मार्केट बहुत ज्यादा नीचे आ चुका है और आप लोगों को वहां पे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखेगा, डेफिनेटली यहां से मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। ध्यान रखना जब भी कोई बुलिश, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, अपन और जो आगे अभी सीखने वाले हैं मैं सबकी बात कर रहा हूं, जब भी आप लोगों को बुलिश कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखेगा तो ये चार्ट के नीचे बनना चाहिए, ये ऊपर काम नहीं करेगा। अगर यहां पे ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखेगा ना मेरे को, मैं ट्रेड करूंगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि ये वहां पे काम करेगा ही नहीं। वहां पे कौन सा काम करेगा? ये करेगा, क्यों? क्योंकि ये बेरिश है, ये यहां से मार्केट को नीचे लेके आएगा। तो जब भी ये बनेगा ये नीचे बनने चाहिए और ये बेरिश वाला ऊपर बनेगा तो ये मार्केट को नीचे लेके आएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया। अब बात करते हैं अपने दूसरे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में, इसका नेम है गाइस हैंगिंग मैन। बहुत से लोगों को नहीं पता, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हैंगिंग मैन, इसे बोलते हैं हैंगिंग मैन, इसे बोलते हैं हैमर, इसे बोलते हैं हैंगिंग मैन। देखिए आप लोगों को ये दोनों सेम दिख रहे हैं, मुझे भी सेम दिख रहे हैं, आप लोगों को भी दिख रहे हैं, ये ग्रीन कलर की, ये रेड कलर की है। देखिए सबसे पहली बात अपने दिमाग में डालना, अगर ये भी रेड कलर का भी यहाँ पे आप लोगों को बनता हुआ दिखता है कि भैया यहाँ पे कोई रेड कलर का हैमर बना है,
कलर डजेंट मैटर, कलर कोई काम नहीं रखता, कलर को भूल जाइए आप लोग। आप लोगों को तो बस ये याद रखना है कि ये नीचे बनाए या फिर ऊपर बनाए। अगर ऊपर बनाए तो ये मार्केट को नीचे लेके आएगा, नीचे बनाए तो ये मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। बस ये समझना है, कलर को भूल जाइए आप लोग कि कलर भी कोई ऐसी चीज है। अब इसके बारे में समझ लेते हैं, हैंगिंग मैन के बारे में। देखिए नाम आप लोगों को कुछ अजीब सा लग रहा होगा। आप लोगों को पता है जापान, जब जापान के अंदर कोई खत्म हो जाता है, कोई डेथ हो जाती है, तो उसको ऐसे लटकाया जाता है जैसे कोई ईसा मसीह वगैरह। तो आप लोगों को यहाँ पे दिखता है कि भैया ये कोई कैंडल है, यहाँ से बनना स्टार्ट होती है। अब जो बायर्स होते हैं, जो सेलर होते हैं भैया, वो इसको यहाँ तक लेके जाते हैं। जो सेलर होते हैं वो इसको यहाँ तक लेके जाते हैं। लो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन जो बायर होते हैं भैया इसको फिर से ऊपर लेके जाते हैं, यहाँ पर ये हाई बनाता है। लेकिन सेलर क्या करता है कि भैया नहीं, हम ऊपर नहीं जाएंगे, हम नीचे ही आएंगे। तो ये यहाँ से यहाँ तक लेके आते हैं और यहाँ पे अपनी क्लोजिंग कर देते हैं। और जो इससे अगली वाली कैंडल बनेगी उसके अंदर फिर जोर दिखाएंगे सेलर्स। आई होप आप लोगों को समझ में आया। आप लोगों को तो यह याद रखना है कि भैया ये दोनों को भूल जाइए। आप लोगों को तो यह याद रखना है कि अगर हैमर नीचे बनेगा तो ये मार्केट को ऊपर लेके जाएगा, और अगर ऊपर बनेगा तो ये मार्केट को नीचे लेके आएगा। बस इतना सा समझना है आप लोगों को, और कुछ नहीं समझना। अब अपन दूसरे कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बात करूं, उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगा चार्ट के ऊपर कि जब भी ये बनेगा कैसे काम करता है और मार्केट को कहां तक ये लेके जा सकते हैं। ये देखिए आप लोग, मैंने पीछे ओपन कर दिया, मैं इसको मिटा देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से दिखे। जस्ट अ सेकंड गाइस, थोड़ा सा वेट कीजिए आप लोग, इसको मिटा देता हूं। देखिए यहां पे आप लोगों को दिख रहा है हैंगिंग मैन बना है। मैंने बोला था ये चार्ट के ऊपर बनेगा तो ये मार्केट को नीचे लेके आएगा, और अगर ये चार्ट के नीचे बनता है, बॉटम में बनता है, तो ये मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। देखिए यहाँ पे आप लोगों को हैमर बन रहा है। आप लोगों को ये मतलब नहीं है कि ग्रीन बनाए रेड बनाए, इससे मतलब नहीं है। कलर कोई सा भी हो सकता है, आप लोग तो नाम भी भूल जाइए इनका। मैं तो आप लोगों को ये कहूंगा आप लोग हैमर से याद रखिए, क्योंकि ये हथौड़े जैसा दिखता है। आप लोग हथौड़ा होता है ना, उसके जैसे दिखता है। तो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा भैया हैंगिंग मैन बनाए, यहाँ पे कोई हैमर बनाए और ऊपर बनाए, तो आप लोग देखिए यहाँ से यहाँ तक ये मार्केट को नीचे लेके आता है। इतना तगड़ा काम करता है। मैं हैमर की बात करूं, नीचे वाले की मैं बात करूं, तो आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं मैं। ये देखिए आप लोग मेरे पीछे देखिए, यहाँ पे ये हैमर बना है नीचे। देखिए रेड कलर का बना है, ग्रीन कलर का नहीं बना है। तो कलर डजंट मैटर, कलर कोई मैटर नहीं रखता। यहाँ पे ये देखिए हैमर बना है, ये मार्केट को कहां से कहां तक लेके गया है आप लोगों के सामने। बिल्कुल आप लोग चार्ट के ऊपर देख सकते हो, जितना चाहो उतना रिसर्च कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, बैक टेस्टिंग कर सकते हो। आप लोग देखिए, अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। तो अब अपन आ जाते हैं सेकंड कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर। आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि भैया हथौड़े को उल्टा कर दिया है, या फिर मैं यूं कहूं जो अपना हैमर था और जो अपना हैंगिंग मैन था भैया, उन्हें उल्टा कर दिया है। बाकी ये भी काम करेगा बुलिश का। बस आप लोगों को इतना याद रखना कि जब भी चार्ट के बॉटम पे बनेगा ये मार्केट को ऊपर लेके जाएगा, और चार्ट के टॉप पे बनेगा ये मार्केट को नीचे लेके आएगा। बस इतना सा याद रखना है, और कलर से कोई मतलब नहीं होना चाहिए भैया। तू रेड बन, तू ग्रीन बन, कैसा भी बन, हमें कलर से मतलब ही नहीं है। हमें मतलब है कि तू ऊपर बन रहा है या नीचे बन रहा है। देखिए आप लोगों को देखने से तो ये लग रहा है कि ये मार्केट को नीचे लेके जाएगा, देखने से, क्योंकि देखिए नीचे की तरफ बना है तो ये मार्केट को नीचे लेके जाएगा। लेकिन आप लोग यहाँ पे देखिए, ये भैया इसका ओपन पॉइंट है, ये लो मैं लिख देता हूं, ये इसका क्लोजिंग पॉइंट है, ये लो, और ये इसने हाई बनाए यहां तक। अब कैसे मान, देखिए कि मान लेता हूं भैया ये 9 के ऊपर बनना चालू होता है, 9 के ऊपर ये ओपन होता है, ये 10 के ऊपर इसने क्लोजिंग की है, लेकिन ये गया 15 तक है, ये लो यहां पे 15 लिख देता हूं मैं, ये गया 15 तक का। बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग थे कि भैया इसको 15 तक लेके गए, लेकिन सेलर्स ने इतना जोर लगाया कि भैया इसको यहां तक 9 के ऊपर ही लेके आ गए। वापस जहां से बनना स्टार्ट हुआ था वहां तक ही वापस लेके आ गए, लेकिन बायर्स ने फिर से जोर लगाया, और बायर्स ने भैया कितना जोर लगा लगा के इसको मान लेता हूं 10 पे या 11 के ऊपर क्लोज करा दिया। अब बायर यहां से स्ट्रांग होते हैं और बायर्स इसको ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। अभी चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा। अपन इधर बात करें शूटिंग स्टार की, तो ये भैया यहां पे ओपन होता है येलो, और यहां पे ये क्लोज करता है। अब आप लोगों को इसको देखने से लग रहा है कि भैया ये मार्केट को नीचे लेके जाएगा अगर ये चार्ट के ऊपर टॉप पे बनेगा तो, ध्यान रखना। बाकी अगर नीचे बनेगा ये भी रेड कलर वाला, तो भी ये मार्केट को ऊपर ही लेके जाएगा। अब आप लोगों को दिख रहा है कि भैया ये ओपन होता है यहां से। अब ये जो बायर्स होते हैं भैया, वो इसको यहां से यहां तक लेके जाते हैं, ऊपर 15 तक लेके जाते हैं, लेकिन भैया सेलर एक्टिव हो जाते हैं और सेलर जोर लगाते हैं और इसको यहां से यहां तक लेके आते हैं, और यहां पे लाके 10 के ऊपर मान लेता हूं बनना स्टार्ट होती है, और 9 के ऊपर लाके क्लोज करवा देते हैं। इसको तो देखने से साफ साफ लग रहा है कि भैया ये मार्केट को नीचे लेके जाएगी, लेकिन कंफ्यूजन सारा ये हो जाता है कि अगर ये चार्ट के बॉटम पे बनेगी तो ये भी मार्केट को ऊपर ही लेके जाएगी।
बस आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि शूटिंग स्टार बन रहा है या इन्वर्टेड हैमर बन रहा है। अगर शूटिंग स्टार बन रहा है चार्ट के ऊपर तो ये मार्केट को नीचे लेके आएगी, और अगर इन्वर्टेड हैमर बन रहा है चार्ट के नीचे बॉटम पे तो ये मार्केट को ऊपर लेके जाएगी। देखिए बहुत तगड़ा प्रॉफिट दिलाता है ये भी, जैसे हैमर काम करता कर रहा था ना अभी, हैंगिंग मैन और हैमर कितना बड़ा बड़ा प्रॉफिट दिलाया अभी अपन ने चार्ट के ऊपर देखा था। अभी मैं इनका चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा, ये भी बहुत तगड़ा काम करता है, बहुत अच्छा प्रॉफिट अपने को दिलाता है। देखिए मैं दिखाता हूं आप लोगों को, आ जाइए मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, मैंने क्या है लैपटॉप से कनेक्ट कर रखा है, तो यहां पे देखिए आप लोग इसको मैं थोड़ा साफ भी कर देता हूं। ये लो यहां पे अपने को दिखा कि भैया यहां पे देखिए कलर कोई मैटर नहीं करता, मैंने बताया यहां पे अपने को दिखता है कि भैया यहां पे इन्वर्टेड हैमर बना है या फिर शूटिंग स्टार बना है। लेकिन शूटिंग स्टार अपन इसको क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि चार्ट के बॉटम पे बना है तो ये मार्केट को ऊपर लेके जाएगा, तो अपन इसे बोलेंगे इन्वर्टेड हैमर। बना रेड कलर का है लेकिन कलर से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये देखिए यहां पे बॉटम पे बना है, यहां से यहां तक क्या खतरनाक प्रॉफिट दिला है, देखिए अब कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है। तो यही अब मैं बात करूं भैया शूटिंग स्टार की भी, एक बार मैं बात कर लेता हूं शूटिंग स्टार की। देखिए यहां पे आ जाइए आप लोग, ये देखिए ये चार्ट के ऊपर बना है, चार्ट के टॉप पे बना है, लेकिन कलर कौन सा है, ग्रीन कलर का, रेड कलर का नहीं है, ग्रीन कलर का, क्यों कलर से मतलब ही नहीं होना चाहिए। और ये यहां से यहां तक क्या तगड़ा नीचे लेके आता है, क्या तगड़ा प्रॉफिट दिलाता है। तो ये समझे अपन ने भैया इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया, थोड़ा सा इसके अंदर कंफ्यूजिंग वाला काम है, मुझे भी लगा क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूं। तो अपने को बस ये याद रखना है कि अगर ऊपर बनेगा चार्ट के टॉप पे तो वो शूटिंग स्टार होगा, और अगर चार्ट के टॉप पे नीचे बनेगा बॉटम में तो भैया वो इन्वर्टेड हैमर होगा। कलर से कोई मतलब नहीं है अपने को, चाहे वो ग्रीन बने रेड बने कैसा भी बने। तो अब अपन आ जाते हैं अपने तीसरे कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर, यहां पे मैं क्लिक कर देता हूं। देखिए मैं इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, जस्ट अ सेकेंड, ये लो मैं इसको बड़ा कर लेता हूं। ये लो जो अपना तीसरा कैंडलस्टिक पैटर्न है वो भैया डोजी है। अब आप लोगों को यहां पे तीन तरह की डोजी दिख रही होगी, यहां पे नीचे नाम भी लिखा हुआ है, ड्रैगन फ्लाई डोजी हो गई, ये हो गई लॉग हो गई, ये ग्रेवस्टोन डोजी हो गई। देखिए इसको देखने से तो अपने को साफ साफ पता लग जाता है, अगर आप लोग सच में मार्केट के अंदर काम करते हो तो इसको देखने से ही पता लग जाता है कि मान लो बायर्स भी उतना ही जोर लगा रहे हैं जितना सेलर लगा रहे हैं, मतलब कि दोनों में टक्कर तो भैया बराबर की है। ये मान लेता हूं भैया ये यहां से ओपन होती है, ये लो अब ये यहां से बायर इसको ऊपर लेके जाते हैं लेकिन फिर सेलर एक्टिव हो जाते हैं और इसको यहां से यहां तक लेके आते हैं, लो बनाते हैं, लेकिन फिर बायर ऊपर लेके जाते हैं और ऊपर लेके जाने के बाद में यहां पे क्लोज कर देते हैं। मतलब कि दोनों में सालों में बराबर की लड़ाई चल रही है, ना तो कोई इसको ऊपर जाने दे रहा है ना ही नीचे जाने दे रहा है, तो अपन इसको यूज में कैसे ले सकते हैं। देखिए इससे अपन ये निकाल सकते हैं कि अगर ट्रेंड लाइन नीचे है, मतलब कि मार्केट ने भैया ट्रेंड नीचे बना रखा था, मार्केट लगातार नीचे आ रहा है और यहां पे अपने को ये बनती हुई दिखती है, तो हो सकता है मार्केट यहां से रिवर्स हो जाए, ट्रेंड चेंज हो जाए, अपन इससे ये समझ सकते हैं। बाकी ये पूरी सस्पेंस वाली कैंडल है, इसके अंदर अपने को कोई एंट्री प्लान नहीं करनी, क्योंकि हो सकता है भैया ये तो बनी हो लेकिन यही से मार्केट नीचे भी तो आ जाए, तो ये एक तरह से बोल सकते हैं कि भैया पूरी की पूरी सस्पेंस वाली कैंडल है। अब मैं बात करूं यहां पे अपने को दिखता है ग्रेवस्टोन डोजी, जो यहां पे इसका ये होता है ओपन पॉइंट, ये लो मैं यहां पे लिख देता हूं, ये होता है इसका क्लोजिंग पॉइंट। अब अपने को दिखता है कि भैया जो बायर्स है ना वो इसको ऊपर लेके जाते हैं यहां तक, लेकिन सेलर फिर जोर लगाते हैं और इसको यहां से यहां तक लेके आते हैं। देखिए ये सारी की सारी जो भी अपन कैंडलस्टिक पैटर्न सीख रहे हैं ना, ये सेलर और बायर के बीच में लड़ाई वाला सीख रहे हैं कि सेलर करना क्या चाहता है, कि जो सेलर है भैया वो ज्यादा जोर लगा रहा है, सेलर है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर बायर है, यही समझते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स में और कुछ भी नहीं है। तो अपने को यहां पे दिखता है कि भैया ये यहां से ओपन होती है, ये बायर इसको ऊपर तो लेके जाते हैं लेकिन साले सेलर इतने एक्टिव हो जाते हैं कि इसको यहां से यहां तक लेके आते हैं और क्लोजिंग यहां पे करवा देते हैं। क्लोजिंग कौन करवाएगा, बायर करवाएगा, क्यों करवाएगा, क्योंकि यहां पे देखिए कि सेलर तो इसने यहां तक लिया है, सेलर्स ने तो बायर तो यहीं तक लेके गए थे लेकिन सेलर्स ने भैया इतना जोर लगाया कि इसको यहां तक ले आया, अब ये तो बहुत ज्यादा नीचे आ गई, तो बायर्स फिर से एक्टिव होते हैं और बायर्स अपना जोर लगाते लगाते इसको यहां पे क्लोज करवा देते हैं। अब अगर ये चार्ट के बॉटम पे बनेगी नीचे बनेगी तो आप लोग देख रहे हो कि भैया सेलर तो इसको यहां तक लेके आ गए थे लेकिन बायर्स भी कोई कम नहीं है, बायर्स भी दिखा रहे हैं अपना जोर और इसको यहां पे लाके क्लोज करवा देते हैं और यहीं से ये मार्केट ऊपर चला जाएगा अगर बॉटम पे बनेगी तो। अब मैं बात करूं इसकी ड्रैगन फ्लाई डोजी, देखिए जो मैं बता रहा हूं इसको अपने दिमाग में याद रखना है ठीक है, और अभी चार्ट के ऊपर तो मैं आप लोगों को दिखाई रहा हूं। अब अपन इसके बात कर लेते हैं, देखिए इसके बारे में बात करूं उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये अगर ये बनती हुई दिखती है आप लोगों को
मान लेता हूं ये ड्रैगन फ्लाई बनती हुई दिखेगी या ग्रेवस्टोन डोजी बनती हुई दिखेगी, जब भी ये बनती हुई दिखेगी तो आप लोग कैसे पहचान सकते हो? आप लोग कभी भी मान लो कंफ्यूज भी हो सकते हो कि यार ये हैमर भी तो हो सकता है, कंफ्यूज हो सकते हो आप लोग। तो आप लोगों को याद रखना है जो ये शैडो है ना, ये शैडो ये तीन गुना बननी चाहिए, तीन गुना ध्यान रखना कि मतलब ये छोटा सा हिस्सा और ये जो शैडो बनेगी ये तीन गुना बननी चाहिए। अगर ये तीन गुना बनती है तो आप लोगों को कंफर्मेशन मिल जाएगी कि भैया ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है या फिर ग्रेवस्टोन डोजी है। तो अब अपन इसको समझ लेते हैं। देखिए इसका जो ओपन पॉइंट है भैया वो ये है और जो क्लोजिंग पॉइंट है वो ये है, मान लेते हैं। तो देख रहे हो कि भैया जो बायर से वो भैया इसको ऊपर लेके गए यहां तक, लेकिन जो सेलर है वो एक्टिव हो जाते हैं और इसको यहां से यहां तक लेके आते हैं, ये लो ये बनाता है। देख सकते हो आप लोग कितना नीचे लेके आ चुके हैं सेलर। बायर्स तो इसको यहां तक ही लेके गए लेकिन सेलर इसको भैया घसीटते घसीटते यहां तक ले आए कि चल तू नीचे चल, मैं तेरे को खींच के लेके जाऊंगा। लेकिन भैया बायर्स भी कम नहीं है, बायर्स इसको ऊपर लेके आते हैं, वो लाके यहां पे क्लोज करा देते हैं। अब बात यही आती है कि अगर ये चार्ट के नीचे बनेगी, बॉटम पे बनेगी, तो भैया ये मार्केट को ऊपर लेके जाएगी, लेकिन अगर ये चार्ट के ऊपर बनेगी तो ये मार्केट को नीचे लेके आएगी। बस इसका ध्यान रखना है, बाकी कलर कोई मैटर नहीं रखेगा अपने लिए कि भैया ये ग्रीन बनी है रेड बनी है। आई होप इतना समझ में आया आप लोगों को। और याद रखना है तीन गुना तो होनी चाहिए, अगर ये तीन गुना से कम है तो भैया वो ड्रैगन फ्लाई डोजी नहीं है या फिर मैं यू कहूँ ग्रेवस्टोन डोजी नहीं है, वो और कोई सा पैटर्न है। अगर ये तीन गुना दिखता है या उससे ज्यादा भी दिखता है तो भैया ये पक्का डोजी है, अपन इसको काम में ले सकते हैं, इससे ट्रेड कर सकते हैं। अब अपन इसको चार्ट के ऊपर देखते हैं कि भैया चार्ट के अंदर किस तरीके से बनती हुई दिखती है और कितना बड़ा प्रॉफिट दिलाती है। ये लो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये लो अपने को यहाँ पे बनती हुई दिखती है भैया ग्रेवस्टोन डोजी। आप लोग यहाँ पे देख रहे हो ऊपर भैया चार्ट के ऊपर बनी है, मैंने बोला बॉटम पे बनेगी तो ऊपर, चार्ट के टॉप पे बनेगी तो मार्केट को नीचे, यहाँ पे ऊपर बनी और क्या खतरनाक सेलिंग आई है। देखिए क्या खतरनाक तरीके से नीचे आई है। डोजी कब बनेगी? जब वो तीन गुना बड़ी होगी शैडो। आप लोग यहाँ पे देखिए छोटा सा पार्ट है, छोटा सा, और इतनी बड़ी तो शैडो ही है, तो ये भैया मार्केट को नीचे लेके आएगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो शूटिंग स्टार भी बना है, जो मैंने बताया भी आप लोगों को इससे पिछले वाला, ये भी मार्केट को नीचे लेके आया है। अब मैं बात करूं भैया, ये तो अपन ने ग्रेवस्टोन डोजी की बात कर ली, अब अपन अगली डोजी की बात करते हैं। ये लो ड्रैगन फ्लाई डोजी अपने को यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए मार्केट क्यों का खतरनाक ऊपर लेके गया है, क्यों? क्योंकि ये चार्ट के बॉटम पे बना है, नीचे बना है, यहाँ पे आप लोगों को नीचे डोजी बनता हुआ दिखता है। देखिए नाम याद रखो या मत रखो कोई बात नहीं है, नाम को भूल जाइए आप लोग, लेकिन कम से कम पता तो होना चाहिए कि कौन सा पैटर्न बना है। अपने को यहाँ पे डोजी पैटर्न बनता हुआ दिखता है, देखिए तीन गुना शैडो है, तो ये मार्केट को ऊपर लेके गया, क्यों? क्योंकि मार्केट के ऊपर बना है। यहाँ पे ये देखिए मैंने बोला था सस्पेंस वाली, जो मैंने बीच वाली बताई थी कि भैया सस्पेंस वाली है, सस्पेंस डोजी है, ये जो मार्केट का ट्रेंड था भैया वो ऊपर की तरफ था, ये देखिए ऊपर कैंडल जा रही है, लेकिन जैसे ये कैंडल बनी है यहां से रिवर्स हो जाता है, जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो जाता है। तो ये सस्पेंस वाली अपन इसके अंदर कोई प्लान नहीं कर सकते, अपन इसके अंदर तब प्लान करते हैं जब नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को या लो को ब्रेक करेगी, उस साइड के अंदर अपन अपनी पोजिशन बना सकते हैं। आई होप डोजी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया। आप लोग वीडियो को वापस से जाके देख सकते हो कि किस तरीके से मैंने बताया इनके बारे में। जब भी नीचे बनेगी ऊपर, ये सस्पेंस वाली है, अगर ट्रेंड ऊपर की तरफ था ये कैंडल बनती हुई दिखेगी तो हो सकता है कंफर्म नहीं है, हो सकता है ट्रेंड चेंज हो जाए, नीचे की तरफ आ जाए। अब अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपने पैटर्न के ऊपर, आ जाइए। वीडियो मुझे पता है बोल लंबी हो चुकी है लेकिन समझाना बहुत जरूरी है। देखिए यहां पे आप लोगों को दिखता है बुलिश स्पिनिंग टूल, यहां पे दिख रहा है आप लोगों को बुलिश स्पिनिंग टूल, बेरिश स्पिनिंग टूल। अब ये होता क्या है, आप लोगों ने बचपन के अंदर तो वो होता है ना, एक लट्टू अपन ऐसे घुमाते थे, उसके थोड़ा सा रबड़ बंधा हुआ आता था और आगे एक बोल सी आती थी, फिर अपन उसको ऐसे घुमाते थे, तो अपने को कुछ उस तरीके से दिखेगा। देखिए वो बीच वाली डोजी नहीं है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि भैया सस्पेंस वाली है, ये वो नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो ये पार्ट दिखेगा ना, ये वाला पार्ट, ये बड़ा होना चाहिए, उससे बड़ा होना चाहिए। वो तो इतना सा अपने को मान लो दिख रहा था, इतना सा पार्ट अपने को दिख रहा था, ये भैया उससे डबल बड़ा होना चाहिए, उससे डबल होना चाहिए। अगर डबल अपने को दिखता कि भैया ये तो वो डोजी नहीं है और उससे डबल अपने को पार्ट दिखता है, तो ये होता है बुलिश स्पिनिंग टूल। अब इसका काम क्या होता है, देखिए इसके अंदर भी वही फंडा है,
अगर ये चार्ट के बॉटम पे बनेगा तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा, ऊपर जाएगा, ये ऊपर लेके जाएगा, और अगर ये चार्ट के ऊपर टॉप पे बनेगा तो भैया ये मार्केट को नीचे लेके आएगा। इसके अंदर भी वही लड़ाई वाला काम चल रहा है। कैसे? ये मान लेते हो भैया ओपन यहां से होता है, बायर्स इसको यहां तक लेके जाते हैं, लेकिन साला सेलर इसको नीचे लेके आ जाते हैं, फिर बायर ऊपर लेके जाते हैं और लाके यहां पे क्लोज करवा देते हैं। वही सारा का सारा काम वही है। इधर भी मैं बात करूं, ओपन यहां से होता है, सेलर इसको नीचे लेके आते हैं, लेकिन बायर इसको यहां से यहां तक लेके जाते हैं और सेलर वापस से लेके यहां पे क्लोज करवा देते हैं। अब मैं बात करूं कैसे काम करेगी, तो अगर ये चार्ट के नीचे बनेगी, बॉटम पे बनेगी, तो ये ट्रेंड को चेंज कर देगी और ये ट्रेंड ऊपर की तरफ चला जाएगा। देखिए एक बार चार्ट को देखते हैं, अपन चार्ट के ऊपर समझते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को ये डोजी जैसा ही लग रहा है। ये आ जाइए आप लोग, यहाँ पे आ जाइए, ये देखिए मैंने बोला, देख लीजिए आप लोगों के सामने कि जो ट्रेंड था भैया कहां पे गया, जस्ट अ सेकंड गाइस, कहां पे गया, जस्ट ये रहा मेरे पीछे था, मैं देखा नहीं। आप लोग देखिए भैया ट्रेंड नीचे की तरफ था, ट्रेंड नीचे आ रहा था, लेकिन जैसे ये भैया बुलिश स्पिनिंग टूल बना, बुलिश स्पिनिंग अपने सामने ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखा, ये भैया ट्रेंड को चेंज कर देता है और ये मार्केट को ऊपर लेके चला जाता है। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये तो वो डोजी है। भैया डोजी नहीं है, जो इसका ये बीच वाला पार्ट है ना, बीच वाला जो ये बॉडी है, शैडो की बात नहीं कर रहा मैं बॉडी की बात कर रहा हूं। ये भैया बड़ी है, उस डोजी से थोड़ा सा बड़ी है, अगर बड़ा बनता हुआ दिखता है, एक बॉल जैसा अपने को दिखता है कि भैया गेंद होती है ना बॉल, अगर वैसा कुछ दिखता है तो भैया ये बुलिश स्पिनिंग टूल है। ये मार्केट को देखिए कहां से कहां तक लेके गया है। अब मैं बात करूं नीचे की तरफ वाले की, मैं बात करूं ये देखिए ट्रेंड ऊपर, यहां से यहां तक ट्रेंड ऊपर था, बुलिश था, लेकिन जैसे यहां पे ये देखिए बेरिश स्पिनिंग टूल बना, ये ट्रेंड को चेंज कर देता है और ट्रेंड नीचे की तरफ आ जाता है। ये बस उस तरीके से काम करता है कि ट्रेंड को चेंज कर देता है, बस इसको आप लोग ये समझो, बाकी आप लोग ये मत समझो कि भैया ये नीचे बने ऊपर बने, बस आप लोग ये समझो कि अगर नीचे बनेगा तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, अगर ऊपर बनेगा तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा, नीचे आ जाएगा ट्रेंड, बस इतना सा समझना और इसका नाम अपने को याद रखना। यहाँ पे मैं छोटा सा एग्जांपल और देना चाहूंगा आप लोगों को स्पिनिंग टूल का। यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे कोई भी नाम नहीं लिखा हुआ कि ये बुलिश स्पिनिंग टूल है या बेरिश स्पिनिंग टूल है, बस ये लिखा हुआ है कि भैया ये बुलिश स्पिनिंग टूल है। यहाँ पे देखिए चार्ट के बॉटम पे बना, नीचे बना है, ये बेसिकली काम यही करेगा कि ये ट्रेंड को चेंज कर देगा। देखो आप लोग ये समझो, ट्रेंड नीचे की तरफ था, ये देखिए डाउन ट्रेंड यहाँ पे लिखा हुआ, ट्रेंड नीचे की तरफ था, लेकिन यहाँ पे बनता है स्पिनिंग टूल। अब वो कौन सा भी बना है अपने को ये मतलब नहीं है, अपने को ये मतलब है कि चार्ट के बॉटम पे बना है, ये चार्ट के बॉटम पे बना है, यहां से यहां तक क्या तगड़ा ऊपर लेके गया ये, बस ये अपने को यही याद रखना और कुछ नहीं। अब अपन बात करते हैं भैया नेक्स्ट पैटर्न के ऊपर, आ जाइए मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, बड़ा ही है ये तो। इस पैटर्न के बारे में मैं आप लोगों को पहले ही बोल दूं, ये बहुत तगड़ा काम करता है, अगर आप लोग इस पैटर्न को अच्छी तरह सीख जाते हो तो ये पैटर्न अपने को बहुत तगड़ा प्रॉफिट देता है। क्यों? क्योंकि इसको देखने से अपने को पता चल जाता है कि भैया मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे आएगा, क्योंकि कैंडल को देखिए आप लोग, पूरी की पूरी कैंडल कितनी बड़ी बॉडी बनी है, शैडो है ही नहीं, ना लो बनाया ना हाई बनाया, पूरी की पूरी ओपन यहां से हुई तो भैया क्लोज भी यहीं पे हो रही है, तो कैंडल को देखिए हो सकता है मार्केट यहां से और ऊपर जाए, क्योंकि बायर्स जितना जोर है उतना जोर लगा रहे हैं। सेलर की मैं बात करूं, मान लो भैया ये ओपन आसी होती है और ये नीचे सेलर इसको यहां से यहां तक लेके आते हैं, ना तो हाई बनाया ना लो बनाया, तो भैया बायर्स इतना स्ट्रॉन्ग है कि पूरी की पूरी कैंडल को लेके जा रहे हैं, मतलब भी जितना जोर है उतना जोर लगा रहे। अगर थोड़ी बहुत शैडो होती है कोई बात नहीं, मान लो भैया ये इतनी सी शैडो बनी है कोई बात नहीं, लेकिन मान लो कि भैया इतनी बड़ी शैडो बन जाती है, बॉडी ये इतनी सी बनती है, तो भैया ये मोरोबुजी पैटर्न नहीं, ये कोई और दूसरा पैटर्न हो सकता है या फिर नॉर्मल कैंडल हो सकती है। अगर छोटी सी शैडो बनती है तो अपने लिए कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात करूं अपने को चार्ट के ऊपर देखते कि किस तरीके से अपने को प्रॉफिट दिलाती है। देखिए यहाँ पे अपने को दिखता है, एक मिनट जस्ट मैं इसको सेट कर देता हूँ, ये देखिए अपने सामने, यहाँ पे मैं इसको साफ करता हूँ यार, जस्ट अ सेकंड, थोड़ा सा वेट कीजिए आप लोग। ये लो यहाँ पे अपने सामने दिखता है भैया क्या खतरनाक कैंडल बनी है, ना तो इसके अंदर शैडो है, ना ही इसके अंदर हाई है लो है, कुछ भी नहीं है, पूरी की पूरी कैंडल बनी है। भैया क्या तगड़े तरीके से बायर ने जोड़ लगाया है, इसको क्या तगड़े तरीके से ऊपर लेके गया है। और एक चीज और याद रखना है कि ये जो कैंडल बनेगी ना, ये छोटी कैंडल नहीं बनेगी, ये बड़ी बड़ी कैंडल बनेगी, ये छोटी छोटी कैंडल नहीं बनेगी। अगर मोरोबुजी पैटर्न बनता तो ये छोटी कैंडल नहीं बनती, ये बड़ी कैंडल्स बनती है। तो आप लोग देख रहे हो क्या खतरनाक तरीके से कैंडल बनी है। मैं नीचे की तरफ बात करूं तो देखिए क्या खतरनाक तरीके से कैंडल बनी है। चार्ट के ऊपर बनेगी तो ये मार्केट को नीचे लेके आएगी, चार्ट के बॉटम पे बनेगी तो ये मार्केट को ऊपर लेके जाएगी।
समझ रहे हो, यहाँ पे देखिए बेरिश कैंडल और यहाँ पे देखिए आप लोग बुलिश मारो बुजू कैंडल पैटर्न, क्यों, क्योंकि ये चार्ट के नीचे बना है, बॉटम पे बना है, ये मार्केट को क्या तगड़ा ऊपर लेके गया है, और यहाँ पे देखिए ये चार्ट के ऊपर बना है, क्या तगड़ा मार्केट को नीचे लेके आया भैया, बहुत तगड़े तरीके से काम करता है, क्योंकि इसको देखने से ही पता लग जाता है अपने को कि भैया बायर पूरा पूरा जोर लगा रहे हैं, कोई शेडो नहीं है, कोई हाई नहीं है, कोई लो नहीं है, बायर जितना जोर है उतना जोर लगाते हुए मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं। और अगर मैं नीचे की बात करूं तो आप लोग देख सकते हो कि भैया सेलर पूरा जोर लगाते हुए लेके जा रहे हैं, तो आप लोग इसके अंदर, इसके नेक्स्ट वाली कैंडल के अंदर एंट्री बना सकते हो, इसके अंदर भी बना सकते हो, लेकिन थोड़ा रिस्की हो सकता है, बाकी आप लोग देख सकते हो। तो आई होप आप लोगों को ये पैटर्न समझ में आया। मैं इसके लिए आप लोगों को पर्सनली बोलना चाहूंगा कि जब भी ये पैटर्न बनता है मोरो बोजू बहुत तगड़ा काम करता भैया, आप लोग जाना बैक टेस्टिंग करना, बहुत तगड़ा प्रॉफिट देता ही है। तो आई होप आप लोगों को, मेरे को पता है वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुके हैं, लेकिन आई होप आप लोगों को जो कंसेप्ट था वो समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया पैटर्न, एक बार आप लोग वीडियो को रिवाइज कीजिए और जाके देखिए, बाकी इस वीडियो को शेयर भी करना है, और अगली जो इससे वीडियो आएगी उसके अंदर अपन बात करेंगे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में, और जो तीसरी वीडियो आएगी उसके अंदर अपन बात करेंगे ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया, बाकी अगर मैं सही तरीके से समझा रहा हूँ आप लोगों को, अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो भैया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसा ही कॉन्टेंट लेके आता रहूँ। बाकी अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल के ऊपर क्लिक कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।